अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, क्या हाल चाल है। उम्मीद करता हूँ आप सब ठीक ठाक होंगे। सबसे पहले आप सब भाइयों को जुमा मुबारक। आज का मेरा वीडियो बनाने का टॉपिक है फीस कैसे जमा कराया जाए। अब फीस कहाँ की फीस, कौन से इदारे की फीस, ये फीस है डिस्काउंट वालों की फीस। ये उन भाइयों के लिए बहुत अहम है ये वीडियो जो डिस्काउंट के थ्रू कतर, ओमान या कहीं भी शटडाउन के लिए जाना चाहते हैं। ठीक है, ये भाई डिस्काउंट से सबसे पहले तो कोर्स करते हैं, उनकी एक ट्रेनिंग होती है हफ्ते से हफ्ता या 10 दिन की। जब ट्रेनिंग कंप्लीट हो जाती है तो उनका वो इंटरव्यू होता है। जब उनकी सिलेक्शन होती है तो उनके पासपोर्ट और कुछ डॉक्यूमेंट्स रख लेते हैं। इसलिए रख लेते हैं कि आपके वीज़ा प्रोसेसिंग आपका स्टार्ट किया जाए, और उसके लिए वो आपको कहते हैं आपके वीज़ा की जो फीस है वो 17,650 रुपये, नहीं सॉरी माफ़ कीजिए, 17,650 नहीं 16,750 रुपये फीस है। कितनी, एक बार फिर से दोहरा दूँ, 16,750 रुपये फीस है। और याद रखिएगा ये जो फीस है ना 16,750 रुपये, ये रिफंडेबल है, ये रिफंडेबल है। जब आप उन्हें शटडाउन कंप्लीट करके पाकिस्तान वापस आ जाएंगे, आप डिस्कॉन के इदारे जाएंगे, एक एप्लीकेशन फॉर्म भरे जमा कराएंगे, उन्हें सबमिट कराएंगे, फिलअप करेंगे, उन्हें जब आप सबमिट करा देंगे तो उसके बाद आपकी ये 16,750 रुपये फीस रिटर्न हो जाएगी, आपको रिफंड हो जाएगी। बाज़ भाई कहते मैं हम नहीं लेना चाहते अभी, जब नेक्स्ट टाइम कोई शटडाउन आएगी तो ये आपकी ऑटोमेटिकली फीस वहाँ पर सबमिट हो जाएगी। ये 16,750 रुपये जो फीस लेते हैं, इसका मैं आपको बता दूँ ये 16,750 क्यों लेते हैं। ये पासपोर्ट तो आपके उनके पास ऑलरेडी जमा है, 16,750 रुपये आपके वीज़ा फीस है जो ये जो खर्चा इन डिस्काउंट वालों का आता है। अगर आप वीज़ा आने के बाद कहते हो जी हम नहीं जाते, हम नहीं जाना चाहते, हमें यहाँ पे कोई अला अच्छी नौकरी मिल गई है या कोई भी मसला हो गया हम नहीं जा सकते, तो वो जो आपके 16,750 रुपये ये रख लेते हैं, तो आपको 16,750 नहीं मिलेगा, आपको पासपोर्ट आपके डॉक्यूमेंट्स वगैरह आपको वापस मिल जाएंगे। वीडियो में मज़ीद आगे बढ़ने से पहले मेरी आपसे गुजारिश है, जो सब्सक्राइबर जो भाई मेरी इस वीडियो पर नए आए, मेरे चैनल पर नए आए, सबसे पहले वो मेरा चैनल जाके सब्सक्राइब करें, बेल आइकन की घंटी पर आप क्लिक करें ताकि मेरे हर नए आने वाली अपडेट से आप आगाह रहें। आइए अब चलते हैं, बल्कि मैं तो बाद रोक तो लैपटॉप से आपको सिखाते, मैं आपको अपने मोबाइल की स्क्रीनशॉट्स आपको सिखाऊंगा, स्क्रीन रिकॉर्डिंग्स आपको सिखाऊंगा, ताकि आप मुकम्मल प्रोसेस अपने आँखों से होता देख लीजिएगा। ये वीडियो आपके लिए बहुत अहम है। इस टॉपिक पे मुझे नहीं लगता कि पहले किसी ने यूट्यूब पर बना के वीडियो डाली होगी। उम्मीद करता हूँ कि ये वीडियो आपको बहुत पसंद आई होगी। अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो मेहरबानी कीजिएगा, लाइक कीजिएगा, कमेंट कीजिएगा, शेयर ज़रूर कीजिएगा। आए चलते हैं मोबाइल स्क्रीन रिकॉर्डिंग पर। आए दोस्तों चलते हैं मोबाइल स्क्रीन की तरफ। सबसे पहले हमें जिसकी ज़रूरत है वो है ईजी पैसा एप्लीकेशन। हम ईजी पैसा एप्लीकेशन डाउनलोड करेंगे, उसके बाद जब हम ओपन करेंगे उसे तो कुछ इस तरह से खुल आएगी, मैं आपको दिखाता हूँ। वो इस तरह से खुल आएगी तो आपको पर तीन ऑप्शन नजर आएंगे, बैंक ट्रांसफ़र, ईजी पैसा और CNIC। हम बैंक ट्रांसफ़र में जाएंगे, इस पर क्लिक करेंगे तो नीचे ना आपको बहुत सारे बैंक्स नज़र आ रहे होंगे, बैंक्स के नाम नज़र आ रहे होंगे। ये देखें आपको एक फिंका नज़र आ रहा होगा और एक फिंजा नज़र आ रहा होगा। हमने जिस बैंक में जमा कराने हैं पैसे उसका नाम है फिंजा। क्या है उसका नाम है फिंजा, और जिस बैंक में हमें पैसे जमा नहीं कराने उसका नाम क्या, फिंका। ठीक है दोस्तों, अब हम फिंजा पर क्लिक करें क्योंकि हमने इसमें पैसे जमा करवाने हैं। हमने फिंजा पर क्लिक किया तो ये कुछ इस तरह से खोलाएगा। अब इंटर अकाउंट नंबर, मेरे पर ट्रांजैक्शन आईडी नहीं है तो इसलिए मैंने ना किसी की ट्रांजैक्शन आईडी कॉपी करके रखी हुई अपने पास, उसका स्क्रीनशॉट है आपको ये नज़र आ रहा होगा,
9992900261 9992900261 ये देखें यहाँ पे क्लिक करते हैं 9992900261। यहाँ पे हमने पर्पस क्या है हमारा, फैमिली सपोर्ट के लिए पैसे जमा करा रहे हैं, एजुकेशन, बिजनेस, ट्रांसपोर्ट नहीं, क्रेडिट, मेडिकल, ऑनलाइन कुछ भी नहीं है। तो फिर ट्रांसपोर्ट पे हम क्लिक करेंगे क्योंकि हमने कोई तो पर्पस शो करना है कि हम क्यों पैसे जमा करा रहे हैं। यहाँ पर हमने मोबाइल नंबर लिखना है, फर्स्ट को यहाँ पे मैं अपना मोबाइल नंबर डाल देता हूँ। ये मैंने यहाँ पे अपना अकाउंट नंबर मोबाइल नंबर डाल दिया, इस पर हम क्लिक कर देंगे, ओके हो जाएगा। इस पर हम नेक्स्ट करेंगे तो ये आपका इजी पैसे का पासवर्ड मांग रहा है, मैं अपने इजी पैसे का पासवर्ड इस पर डाल देता हूँ क्योंकि इसलिए पासवर्ड मांगा कि आया कि इसे मैं खुद यूज़ कर रहा हूँ, कोई और तो इसे यूज़ नहीं कर रहा, इसलिए अब यहाँ आ गया। अब मैं यहाँ पे कुछ भी इंटर करता हूँ, एक जैसे आपने तो 16,750 जमा कराने, मेरे पास इतने अमाउंट नहीं है इसमें, इसलिए मैं आपको सिर्फ समझाने के लिए एक लिख रहा हूँ क्योंकि इतना तो है कि एक रुपये जा सकता है। इसको मैं नेक्स्ट कर दूँगा, ठीक है दोस्तों। इतना आप सबको इंशाल्लाह, मेरे उम्मीद है कि आपको समझ आ गया होगा इंशाल्लाह। ये एरर कोड मेरे पास इसलिए शो कर रहा है क्योंकि मेरे पास अकाउंट में नया अकाउंट है, कुछ खास यहाँ से मैंने प्रोग्रेस नहीं की, तो क्योंकि मेरे पास वहाँ की ट्रांजैक्शन आईडी भी नहीं है, क्योंकि मेरी अपनी ट्रांजैक्शन आईडी तो नहीं है, मैंने किसी और की ट्रांजैक्शन आईडी उठाकर आपको सिखाने की थोड़ी कोशिश की है, ठीक। अब यहाँ पर जहाँ पर कैंसिल है, यहाँ पर आपके पास लिखा होगा, जब आप अपनी ट्रांजैक्शन आईडी और अकाउंट नंबर इसमें डालेंगे तो इस कैंसिल जगह पर लिखा होगा सेंड नाउ, क्या लिखा होगा सेंड नाउ, आप सेंड नाउ पे क्लिक कर देंगे और आपके पास उसका आपके पूरी प्रोफाइल बनकर आ जाएगी, आप उसका स्क्रीनशॉट लेके अपने पास महफूज कर लीजिए क्योंकि वो आपके पास एक पूरा प्रूफ है, आपने पैसे भेजे किस नाम से भेजे, किस ट्रांजैक्शन आईडी से भेजे। उम्मीद करता हूँ दोस्तों आपको ये आईडी, ये आपको ये वीडियो बहुत पसंद आई होगी। अगर आपको वीडियो पसंद आई है तो मेरा चैनल सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा और बेल आइकन पर घंटी बजाना ना भूलिएगा, और मेरा अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो लाइक भी कीजिएगा। अल्लाह हाफिज़ दोस्तों।